ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफे देने के बाद ब्रिटेन की अगले प्रधानमंत्री के दौड़ में तीन भारतीय मूल के नेता के नाम जोर पर है। इनमें से सबसे आगे है ऋषि सुनक। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऋषि सुनक के बारे में जानेंगे। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री यानी चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे। वो इस पद पर फरवरी 2020 से थे और 5 जुलाई 2022 को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के थे। उनकी दादा दादी का जन्म पंजाब में हुआ है। वो अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद 1960 के दशक में उनके परिवार ब्रिटेन आकर बस गए थे। उनके पिता यशबीर सुनक डॉक्टर थे और उनकी माता उषा सुनक फार्मासिस्ट। ऋषि सुनक की जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड की साउथ एम्प्टन में हुआ था। तीन भाई बहनों में से वो सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किए। उन्होंने ट्रांसफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी हासिल किए फुलब्राइट स्कॉलर्स के तौर पर। एमबीए पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुआ। साल 2009 में उन दोनों ने शादी की। उनकी दो बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। अक्षता मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी है। ऋषि सुनक ने अपनी करियर की शुरुआत 2001 में गोल्डमैन सैक्स फाइनेंस कंपनी में एक एनालिस्ट के तौर पर किया। उसके बाद हेज फंड फर्म में पार्टनर भी बने। उसके बाद वो अपनी फादर इन लॉ की इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामरन वेंचर्स में डायरेक्टर बने। ऋषि सुनक ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2015 से किए। कंजर्वेटिव पार्टी से उत्तरी यॉर्कशायर के रिचमंड से वो सांसद बने। 2015 से 2017 तक एनवायरनमेंट, फूड और रूरल अफेयर्स सिलेक्ट कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने दोबारा 2017 जनरल इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज किए। उसके बाद जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक थेरेसा मेज की सरकार में पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बने। 2019 की जनरल इलेक्शन से सुनक ने फिर से अपनी जीत हासिल की। उसके बाद 24 जुलाई 2019 में बोरिस जॉनसन की सरकार में चीफ सेक्रेटरी टू ट्रेजरी बने और 13 फरवरी 2020 में चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी ब्रिटेन की वित्त मंत्री बने। 2020 के कोरोना काल में ऋषि सुनक ने शानदार तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चलाकर चर्चे में थे। अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो ये ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई भारतीय मूल से जुड़ा हुआ शख्स ब्रिटेन की कमान संभालेगा। पहले राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक 88 वोट से टॉप पर है और दूसरी राउंड में 101 वोट से भी वो आगे चल रहे हैं।